अस्सलामुअलैकुम दोस्तों। दोस्तों एक ब्रेकिंग न्यूज़ है मेरी तरफ से आप सब लोगों के लिए जो मेरी वीडियोस देखते हैं, जो मुझे बर्दाश्त करते हैं। तो बात यह है कि बहुत दफ़ा ऐसा होता है कि वीडियो अच्छी नहीं बनती है या कंटेंट जो है उसको अच्छे से बयान नहीं किया, तो जो न्यूज़ होती है या जो खबर होती है या कोई भी बात है उसको अच्छे से एलैबोरेट एक्सप्लेन जो है वो तफसील उसकी बयान नहीं की जा सकती, या बहुत लंबी तफसील हो जाती है छोटी करने की कोशिश में, यानी थोड़े टाइम में थोड़े वर्ड्स के अंदर थोड़े अल्फाज के अंदर उसको समेटने की कोशिश में उसको उसकी शक्ल वक्ल जो है टोटली चेंज कर दी जाती है, जिससे बहुत कम लोग जो हैं उनको समझ आती है अच्छे से। बात करने का मकसद है कि हर दफ़ा हर वीडियो जो है बहुत अच्छी नहीं बनती है। बहुत सारी वीडियोस में मेरी आवाज़ बहुत स्लो है, लोग सबसे ज़्यादा मेरी कंप्लेंट जो है वो आवाज़ के ऊपर है। तो भाई अभी एक तो मैं कोशिश करता हूँ कि जितनी मुमकिन हो सके अच्छी वीडियो बनाऊँ, अच्छा कंटेंट होना चाहिए और अच्छे से एक्सप्लेन किया जाना चाहिए। इंशाल्लाह खैर मैं भी अपनी तरफ से बेस्ट दे रहा हूँ, कोशिश करूँगा मज़ीद इसमें बेहतरी आए और इंशाल्लाह बेहतरी आएगी। जैसा कि आप अगर मेरी पहली वीडियो देखें सो आई वाज नॉट ऑन स्क्रीन, मैंने वॉइस ओवर वीडियो बनाई थी, लेकिन आस्ता आस्ता कॉन्फिडेंस आता गया, चीज़ें इम्प्रूव होती गई, तो अल्हम्दुलिल्लाह बेहतरी आती रहेगी। जैसे जैसे हम गुजरेंगे, दिन गुजरेंगे, काम करते जाएंगे, बेहतरी आती जाएगी इंशाल्लाह। खैर मैं अपनी पूरी कोशिश करूँगा। तो मैं शुक्रिया अदा करता हूँ जो लोग मुझे अभी तक बर्दाश्त कर रहे हैं। बहुत सारे लोग कंप्लेन करते हैं बहुत सारी चीज़ों के बारे में, मैं वो भी कोशिश करता हूँ कि उनको ख़त्म करूँ। और कुछ दोस्तों ने बोला था आप स्लो बोलते हो, तो शायद ये नेचुरली है, लेकिन मैं कोशिश करूँगा कि मैं तेज़ बोलना शुरू करूँ, कम टाइम में ज़्यादा बोलूँ, लेकिन इसमें थोड़ा मैं भी टाइम लग सकता है क्योंकि अब एक डेवलप हो चुकी है, एक आदत बन चुकी है, तो उसको ख़त्म करने में या थोड़ा मॉडिफाई करने में थोड़ा टाइम लगेगा, लेकिन मैं फिर भी कोशिश करूँगा कि मैं तेज़ बोला करूँ। और दूसरा कि कुछ लोग बोल देते हैं कि ये फजूल खबर है, ये ऐसा है वैसा है। सो भाई अगर किसी को मेरी कोई वीडियो बुरी लगती है तो मेरा इसमें एक्चुअली बस नहीं है, यूट्यूब मेरी अपनी नहीं है कि मैं जो है ना वहाँ पर कुछ ऐसा करूँ कि मेरी वीडियो जो है ना जिन लोगों को पसंद नहीं आती मैं उनके उन तक पहुँचने से रोक सकूँ। सो प्लीज़ आप इग्नोर कर दें, और अगर आप दुआ नहीं दे सकते तो कम से कम बददुआ भी नहीं दें, यानी किसी का अच्छा नहीं कर सकते तो बुरा भी नहीं करें। लेकिन खैर मेरी सेहत पे इसका असर नहीं पड़ेगा, लेकिन परेशानी ज़रूर होती है कि लोग जो हैं वो इस तरह क्यों करते हैं। अगर आप किसी के बारे में बुरा सोचेंगे तो ऑफकोर्स पीपल विल थिंक बैड अगेंस्ट यू ऑल्सो, जैसा आप किसी के बारे में सोचें वैसा लोग आपके बारे में सोचेंगे। तो इंशाल्लाह खैर मैं अपनी पूरी कोशिश करूँगा कि मैं अच्छी वीडियोज़ बनाऊँ और तमाम लोग उसको पसंद करें। और आखिर में मेरी रिक्वेस्ट है कि दुआओं में याद रखिएगा और दुआ करते रहें, हर किसी के लिए दुआ करें। अल्लाह ताला सबकी खैर फरमाए। जज़ाकअल्लाह, अल्लाह हाफिज़।